बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम हाज़रीन। आज 26 जून 2020 का दिन है। आज के दिन की मालूमात 26 जून 2004 साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ारत के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। तुम्हें मोहब्बतों भरा सलाम। बलूचिस्तान का रहने वाला ये शख्स जमाली कबीला का सरपरस्त है। बहुत बड़ा मालदार, दौलतमंद और अपने इलाके का ज़िम्मेदार है। नाम है मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। जनरल मुशरफ के वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी रह चुका है। राकम का इस शख्स से कोई ज़ाती ताल्लुक या जान पहचान नहीं, लेकिन इस शख्स से कुछ रोज़ पहले गायबाना एक ऐसा ताल्लुक जुड़ा जो कभी नहीं टूट पाएगा। इसका ताल्लुक की बुनियाद है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली नवाज़ लीग का MNA था। कुछ ही रोज़ पहले मीर साहब ने नवाज़ लीग की पार्टी को हमेशा के लिए इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा देकर अलविदा कह दिया कि नवाज़ लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत कानून में तब्दीली करने की बदतरीन कोशिश की और कादियानी गैर मुस्लिम मुर्तद कुव्वत को तकवीत देनी चाहिए। मीर साहब ने एक सच्चे पक्के आशिक़ रसूल मुसलमान होने का सबूत दिया और कहा, जो सियासी पार्टी ख़त्म नबूवत और नमोस रिसालत के कानून की पासदारी करने के बजाय इसमें तब्दीली कर दे, ऐसे लोगों के साथ एक सच्चा मुसलमान कभी भी नहीं रह सकता। इनके साथ रहना मेरे लिए नामुमकिन है। इस शख्स की ईमानी गैरत को देख कर हमें रश्क आता है और पीरों, मौलवियों और जो फ़कत दुनिया हासिल करने के लिए इस्लाम दुश्मन नवाज़ लीग के साथ असम्बलियों में, न फ़कत इतना बल्कि जब ख़त्म नबूवत कानून में तब्दीली की गई तब ये पीर मौलवी इस काम में हुकूमत के साथ रहे और असम्बली हाल में तालियां बजाते रहे। याद रखो, तुम पर क़यामत तक तुम्हारी खुद की नस्लें फटकार करेंगी। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जैसे लोगों ने मुसलमानों की आने वाली नस्लें फ़ख्र करेंगी। हमारी मोहब्बतों भरा सलाम हो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन और डेली इंसाइक्लोपीडिया जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।